और साल 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है, जिसे लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन, जिसे प्रयागराज में इस बार किया जा रहा है, क्योंकि हर बार 12 साल में अंतराल में ये होता है और सिर्फ देश के 4 जगहों पर ही होता है। लेकिन इस बार जब प्रयागराज में हो रहा है तो इसके लिए धार्मिक स्थल से लेकर के गली घाट सड़कों तक को सजाया और संवारा जा रहा है। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर योगी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन को लेकर प्रयागराज के धार्मिक स्थल से लेकर घाट गली और सड़क को सजाया और संवारा जा रहा है। महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य रूप देने के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सौंदर्यीकरण का काम 15 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है, लिहाजा सीएम योगी लगातार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे हैं। मंगलवार देर शाम एक बार फिर सीएम योगी ने लखनऊ में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसे 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। 12 किलोमीटर लंबाई के घाट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 450 किलोमीटर चरकट प्लेट, 30 पॉन्टून पुल, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1,50,000 शौचालय, 1,50,000 टेंट के साथ ही 25,000 से अधिक पब्लिक एकोमोडेशन की व्यवस्था की जा रही है। प्रयास किया गया है कि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को ज्यादा लंबी दूरी तक पैदल न जाना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर वो सीधा गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जाकर के अपना संगम का स्नान करने का काम कर सके। हेलीकॉप्टर की सेवाएं वहां देने का काम किया है, उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। 13 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले में 6 महास्नान होंगे, जिसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि का स्नान शामिल है, जिसको लेकर सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष तैयारी की गई है। एक तरफ योगी सरकार महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर बड़े कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। प्रयागराज में कुंभ को लेकर समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, ताकि कुंभ पर तिरछी नजर रखने वालों को उनके मंसूबों में कामयाब होने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या खास तैयारियां की गई है महाकुंभ को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये होने वाला है। आपको बताते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। अवैध किले में पूरे ही तरीके से प्रयागराज को तब्दील किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में 7 लेयर का सुरक्षा घेरा होगा। कुंभ में 37,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। मेला क्षेत्र में 22,953 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। जब ये जनवरी से फरवरी के महीने में होगा, 10 जोन बनाए जाएंगे, 25 सेक्टर होंगे, 56 थाने होंगे, 155 चौकियां होंगी। अलर्ट रहेगा क्योंकि हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी सुरक्षा व्यवस्था। इसी के साथ चप्पे चप्पे पर 2500 से ज्यादा टीवी कैमरे लगाए गए हैं। निगरानी के लिए 80 VMD टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी और इस तरीके से ये खास तैयारियां की गई है, किसी भी तरीके से कोई भी चूक ना हो पाए।
और अब खबर कानपुर से। कानपुर में एकता गुप्ता हत्याकांड को लेकर के वैसे ही पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे और अब एक और जिम ट्रेनर पर आरोप लग रहे एक लड़की से रेप करने के। लड़की और पूरे परिवार का क्या है आरोप और पुलिस पर क्या आरोप लग रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देखिए। कहानी दोनों ही कानपुर की है। दोनों ही कहानी में पीड़ित महिला और छात्रा है। दोनों ही कहानी के आरोपी जिम ट्रेनर हैं। एक का कत्ल हुआ, शव दफना दिया गया और चार महीने बाद कंकाल मिला, तो दूसरी ये छात्रा है जिसको नशा देकर किडनैप किया गया। आरोपी ने बंधक बनाकर रेप किया, कैद में रखकर मारपीट की, जुबान खोली तो शरीर की ये हालत कर दी। कानपुर में महिलाओं से दरिंदगी और हैवानियत लगातार ये दूसरी खबर है। दोनों ही कहानियों की शुरुआत जिम से शुरू हुई और जिम में ही खत्म हो गई। एक एकता गुप्ता थी जिसे नहीं पता था कि उसका जिम ट्रेनर ही उसका कातिल निकलेगा, तो दूसरी ये पीड़ित है जिसे नहीं पता था कि नंबर देने से इनकार करना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा और जिम ट्रेनर ये हालत कर देगा। एकता गुप्ता हत्याकांड की पहली अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक और जिम ट्रेनर की करतूत सामने आ गई, जिसमें आरोपी जिम ट्रेनर अर्जुन सिंह ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। रेप किया, बंधक बनाया, मारपीट की, दे दिया शरीर पर कभी ना भूलने वाला जख्म। मामला कानपुर के ही फजलगंज इलाके का है। केस भले ही 1.5 साल पहले दर्ज करवाया गया, लेकिन छात्रा को प्रताड़ित करने का मामला 3 साल पुराना है। पीड़िता के मुताबिक करीब 3 साल पहले जब वो 11वीं कक्षा में थी, तब वो फजलगंज इलाके में HH जिम में जाती थी। उसी दौरान जिम ट्रेनर अर्जुन सिंह से उसकी मुलाकात हुई। अर्जुन सिंह ने उससे मोबाइल नंबर मांगा। छात्रा के इनकार करने पर आरोपी ने जिम संचालक से उसका नंबर लिया। नंबर लेने के लिए उसने मालिक को 20,000 रुपए भी दिए। फोन नंबर मिलने के बाद फोन करके वो वेट लॉस पाउडर लेने की सलाह देने लगा। मुझे कॉल करके बोला कि मैं जिम ट्रेनर हूँ और मेरे पास ऐसा पाउडर है जिससे वेट लॉस जल्दी होता है, तो उसने बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश की। मैंने मना भी किया पर उसने कहा कि नहीं, इससे जल्दी होगा, तो मैंने वो पाउडर उससे लिया और फिर वो खाने के बाद ऐसी हैबिट पड़ गई उसकी कि धीमे धीमे उसके आदि हो गए, उसके उस पाउडर को खाए बिना न रह पाते थे, उस पाउडर को लेना ही पड़ता था। बात इतने तक ही नहीं है, आरोपी ने पीड़ित छात्रा को नशीली दवा के साथ जानवरों का इंजेक्शन दिया जिससे उसकी हालत बिगड़ी और फिर उसने उसका फायदा उठाया। और उसने इंजेक्शन दिया, उस इंजेक्शन के बाद ही से उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे फोटोज वीडियोस बना के, और उसके जरिए उसने मुझे अपने पास बंधक बना के रखा। ना मेरे माँ बाप से मिलने देता था, ना मुझे आने जाने देता था, हर चीज़ ब्लैकमेल करके कराता था। मेरे माँ बाप को पूरी बात तक पता नहीं चलने, मेरी मानसिक दवाएं चलवाएं जिससे मुझे होश ही नहीं रहता था। जो इंजेक्शन घोड़ों के लगाए जाते थे रेस में, जब घोड़ों को दौड़ाया जाता है, वो इंजेक्शन तब यूज़ होते थे। जिम में HH जिम का ही जो ओनर है वो इस इंजेक्शन को सेल करता था। पीड़िता का आरोप है कि दरिंदे जिम ट्रेनर ने उसे कैद करके कई बार उसका रेप किया, वीडियो बनाया और जान से मारने की धमकी दी। वो नशे की हालत में गलत चलत हरकतें करता था, उनके वीडियोस भी बनाता था। बहुत बार उसने यही काम किया। मुझे उसने कुर्सी पे खड़ा करके पंखे के पास चुन्नी डाल के बोला था कि खड़े हो, इसमें गला अपना लगाओ और मेरा वीडियो बना रहा था। कह रहा था नहीं बनाओगी तो अभी तुम्हारे वीडियोस वायरल कर देंगे। पीड़िता का ये भी आरोप है कि जब वो उसकी कैद से निकली तो सीधे पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने 1.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को कॉल किया था, पुलिस उसको लेके भी गई थी, पर उसी रात उसको छोड़ दिया गया। दूसरे दिन